हमने फिर ये सोचा कि अभी हमारा मैटर उनके साथ टैग नहीं करे हुआ बेटर है, अगर मैटर एडजॉइन होगी जो दूसरी डेट मिलेगी वो डेट को फिर दोनों मैटर साथ रहेंगे और दोनों भी जो सीनियर काउंसिल्स रहेंगे वो अच्छे से आर्ग्यू कर पाएंगे और हम भी उनको अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 9 तारीख को मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, ये देखने में ये आया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर कॉल आउट हुआ तो पिटिशनर के जो AOR थे वो मौजूद नहीं थे और कोई सीनियर काउंसिल जो जिनका भी उन्होंने नाम लिए थे उनके ऑफिस से भी कोई वहाँ वकील मौजूद नहीं था और एक लेडी एडवोकेट जो अभी भी शायद वकालत में आई है जूनियर एडवोकेट थी वो उसने कोशिश की एडजॉइनमेंट की लेकिन वो खड़े होकर कुछ बोलने से पहले ही जो AG है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो ऑनलाइन मौजूद थे स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए। उन्होंने पहले ही बता दिया कोर्ट को कि आपने सिमिलर पिटीशन जो है तो 2 अगस्त को उस्मानाबाद और धाराशिव का जो रीनेमिंग का था वो डिसमिस किए, तो कोर्ट ने इमीडिएट बोला यस, बोले हमने डिसमिस किए तो इसमें भी हम डिसमिस करेंगे। तो फिर उसने कोशिश की एडजॉइनमेंट की तो कोर्ट ने उनको पूछा कि क्यों आप एडजॉइनमेंट क्यों जा रहे, तो उन्होंने कहा वो जो लेडी एडवोकेट थे कि उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनकी तबीयत खराब है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पूछा उनको कि क्या हुआ उनको, तो बताया कि उनको स्पॉन्डलाइसिस हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, स्पॉन्डलाइसिस अगर उनको हुआ है तो स्पॉन्डलाइसिस में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि वो आर्ग्यू नहीं कर सकते और अगर उनको इतनी अगर तकलीफ है वो कोर्ट में नहीं आ सकते तो वो जहाँ पर है वहाँ से भी आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि आजकल वर्चुअल हियरिंग चल रही है, ऑनलाइन हियरिंग चल रही है। तो अगर वो चाहते तो हम मौका देते, वो अभी उनको बोलो 10 मिनट के बाद ऑनलाइन आने का, लेकिन वो उनके जो जूनियर एडवोकेट थे उन्होंने एडजॉइनमेंट की इसी लगाए थे। तो बाद में फिर AG ने भी थोड़ा बताया कि कोर्ट को सिमिलर इश्यू जब ऑलरेडी डिसमिस हो गया है तो एनी हाउ सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस दिन वो मैटर को एडजॉर्न नहीं करते हुए उसको डिसमिस कर दिया। तो इस तरीके से अब ये अब औरंगाबाद का जो मैटर है 2 मैटरों में से अब एक मैटर जो पहले गया मतलब बोर्ड पर पहले आया हालांकि फाइल बाद में हुआ वो डिसमिस हो गया। अब लेकिन हाँ, ये जो हिशाम उस्मानी और संजय बागमारे ये दोनों पिटिशनर्स ने जो SLP फाइल किए हुए हैं ये अभी पेंडिंग है और ये अनखरीब नेक्स्ट वीक या 8-10 दिन में इसकी हियरिंग तय है, ये बोर्ड पर आ जाएंगी और हम लोग इसमें पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसमें कोर्ट का जो व्यू है वो क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब सरकारी वकील ने पहले ये कहा कि कॉमन जजमेंट था उस्मानाबाद का डिसमिस हो गया तो ये भी डिसमिस कर दो, कोर्ट में अगर शायद उस दिन औरंगाबाद का जो पिटीशन था अगर सीनियर काउंसिल मौजूद रहते तो वो बता सकते थे या उनके कोई वकील मौजूद रहते और आर्ग्यू करते तो बता सकते थे कि हमारा ग्राउंड कैसा अलग है उस्मानाबाद के पिटीशन से और औरंगाबाद के जो मैटर के अंदर रीनेमिंग का जो भी मसला है वो किस तरीके से कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, मुख्तलिफ जो उसमें ग्राउंड लिए हुए होंगे SLP में वो बताकर आर्ग्यू करते तो शायद कोर्ट उस दिन नोटिस भी इशू कर सकता था, स्टेट गवर्नमेंट को कॉल अपॉन भी कर सकता था या डिसमिस भी कर सकता था। से बात मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जब हमें ये पता चला तो हम एक दिन पहले जो है वहाँ पर पहुँचे थे दिल्ली। दिल्ली पहुँचने की वजह ये थी कि हमको जब लास्ट मोमेंट पर ये पता चला कि ये लग गई है तो हमारे लिए सबसे पहले ये ऑप्शन था कि हम अपनी पिटीशन को मुश्ताक अहमद साहब की पिटीशन के साथ टैग करवाए या नहीं। दिन तमाम हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है सीनियर लॉयर्स के कांटेक्ट में रहे और हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि किसी तरह वो कल हमारे मैटर में अपीयर हो जाए, लेकिन हर एक सीनियर लॉयर का और उनके जो जूनियर से जिनसे अप्रोच होते हैं उनका कहना ये था कि चूंकि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आए हो इसलिए कोई भी जो है तो हम तैयार नहीं है कि हम एकदम 8-10 घंटे की आपकी नोटिस के ऊपर इतने इम्पोर्टेंट मैटर में आपके लिए आ जाए। उसके बाद खाजी साहब ने बात नहीं बताया लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि खाजी साहब ने कहा कि जैसा मैंने खाजी साहब को कहा कि पिटीशन हमने ड्राफ्ट की है, हमने तैयार की है, हाईकोर्ट की भी हमने तैयार की है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी खाजी साहब उसको आर्ग्यू कर सकते थे। लेकिन हमारा मानना ये था और पिटिशनर हिशाम उस्मानी का भी मानना ये था कि हमको खाजी साहब की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि औरंगाबाद की आवाम जो चाहती है और जब उस्मानी साहब जो है खर्च बर्दाश्त करने के लिए तैयार है
तो हमारा मानना ये था कि इंडिया का टॉप मोस्ट लॉयर जो है हमारे औरंगाबाद के केस को रिप्रेजेंट करे, लेकिन शाम तक हम उस कोशिश में जो है नाकाम रहे, हमको कोई सीनियर काउंसिल नहीं मिला। नो डाउट खाजी साहब तैयार थे आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन औरंगाबाद की आवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये इरादा था कि इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर से ये केस को वो किया जाए ताकि मेरिट पे ये केस डिसाइड हो। तो हम वो करने में नाकाम रहे, हमने टैग नहीं किया था, इसलिए हमारी पिटीशन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी खाजी साहब ने आपको बताया कि दो पिटीशंस जो है तो रिजेक्ट हो चुकी है, मैं आपको जजमेंट उसका फॉरवर्ड करता हूँ, एक लाइन का ऑर्डर है। अभी हम तो ट्रायल कोर्ट में काम करते हैं, ट्रायल कोर्ट में अगर एक सादी एप्लीकेशन भी कोर्ट के सामने आती है तो डिटेल रीजन ऑर्डर दिया जाता है, रीजन ऑर्डर। अभी ये 300 पेज के और 400 पेज की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है और उसका अगर एक लाइन में ऑर्डर आ जाता है, नो डाउट आपको ये बताया गया है कि देखिए उसमें आर्गूमेंट नहीं हुआ, दोनों केसेस में जो है एक केस में वकील साहब नहीं पहुँच सके, दूसरे में शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, तो ये मैटर मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ। बींग अ लॉयर मुझे भी लगता है कि इसके अंदर जो नुकसान पहुँचना था वो पहुँच चुका, बट आई एम हेल्प, मतलब मैं होपफुल हूँ कि इसके अंदर जो है हमारे को काम करने का भी मौका मिलेगा। उसकी वजह यह है कि सिमिलर एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में मैंने मालूम ली तो भाई साहब पता चला कि अलाहाबाद हाईकोर्ट, अलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज जो चेंज हुआ था, वो पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनने के लिए कबूल किया, और प्रयागराज अलाहाबाद वाले केस में जो लॉ सब्जेक्ट है, मैटर है, जो चैलेंज है वो है लैंड रेवेन्यू कोर्ट। तो अपने पास भी महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है या नहीं है वो इशू है, और वो उसके अंदर भी यूपी लैंड रेवेन्यू कोर्ट का जो है मामला है। तो चूंकि दो मामला जो है सिमिलर है, हम उस लाइन पे भी कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि हमारा मैटर जो है इसके अंदर लैंड रेवेन्यू कोर्ट जो है सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, और वो कोर्ट डिसाइड करने जा रही है, ये भी एक सिमिलर मैटर है। वकीलों ने आपके सामने कोर्ट की सारी लीगल पहलू पे रोशनी डाली। उसी तरीके से आप जानते हैं कि मैं एक सियासी बैकग्राउंड से भी आता हूं, कांग्रेस का पहले मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीन पार्टियों ने उद्धव ठाकरे की उस ख्वाहिश को पूरी मंजूरी दी कि मेरे बाप की ये ख्वाहिश थी, इसका नाम, शहर का नाम तब्दील होना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने मिल के ये नाम तब्दील किया। उसके बाद उसके क्रेडिट की होड़ में शिंदे और फडणवीस सरकार जो है उसने भी इसके नाम में एक तरमीम करके, एक एडिशन करके ये नाम मजीद और बड़ा करके उसको चेंज कर दिया। अगर बात करें औरंगाबाद की जनता बिल्कुल भी ये नहीं चाहती, तो जो हम जो केस लड़ रहे हैं ये हमारी भी ख्वाहिश है कि ये शहर औरंगाबाद के नाम से ही जाना जाए, लेकिन हम तो सिर्फ वहां पे लड़ने के लिए नुमाइंदे हैं, हम सिर्फ सैनिक हैं। ये लड़ाई औरंगाबाद की जनता की है जो हम लड़ रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी लड़ाई हो वो बिल्कुल एक कायदे से हो, जैसी लड़ाई होनी चाहिए उसमें सीनियर काउंसिल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई खर्च में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अनिल अंतुरकर साहब को जब लगाया तो इस वक्त वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के वन ऑफ द टॉप पेड सीनियर लॉयर्स, सीनियर काउंसिल्स में से आते हैं, तो वहाँ भी हमने बिल्कुल कहीं कोई कोताही नहीं की। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारी यही कोशिश है कि जो सबसे बेस्ट सीनियर काउंसिल्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर उसको हम इस केस में लगाएं, और ये जो एक नफरत की राजनीति चलाई जा रही है मुल्क के अंदर नाम तब्दीली की, जिसमें ज़्यादातर के हम देखते हैं कि 90% के ऊपर जो नाम है वो माइनॉरिटी बेस्ड जो जिसका नाम का शहर का नाम आता है उसको तब्दील करके एक तरफ से एक कम्युनल राजनीति बीजेपी और काफ़ी दीगर राइट विंग ग्रुप्स जो हैं वो चला रहे हैं। तो हमारी लड़ाई औरंगाबाद के नाम के साथ साथ इस आइडियोलॉजी से भी है, इस विचारधारा से है, जिसमें ये नाम तब्दील करके एक तरीके से हिस्ट्री को वाइप आउट कर देना चाह रहे हैं। माइनॉरिटी का जो भी इस मुल्क के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, उसको ये ख़त्म कर देना चाह रहे हैं ताकि आगे जो इनकी मंसूबे हैं इसको ये इस तरफ जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें यह देखने में आया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो नेता लोग हैं वो पीछे से भी इसमें खेल खेल रहे हैं। ये लोग जो है अपने नुमाइंदों को आगे करके कोर्ट की हमारी लड़ाई के अंदर भी बाधा पैदा कर रहे हैं, या उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, और इस मकसद को जो औरंगाबाद की जनता जो कायम रखना चाहती है इस नाम को, उस मकसद को भी ये खराब कर रहे हैं।
हमारा यही आपके माध्यम से औरंगाबाद की जनता से ये कहना रहेगा कि हमने ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये इंडिविजुअल तौर पे नहीं लड़ते हुए, जैसे आज यहाँ खान सलीम खान साहब बैठे हैं, ये नुमाइंदा काउंसिल के भी जो लीगल टीम है उसके पैनल से आते हैं, उसके बाद आपके जमात इस्लामी हैं, उसके बाद आपके इसमें तामीर मिल्लत कमेटी है, खालिद अहमद साहब उसमें हैं, और जो तब्दील नामुखालिद कमेटी है जो पहले से 95 से ये केस लड़ती आ रही है, उसमें एम ए लतीफ़ साहब और वो उनके लॉयर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पिटीशन्स जब हमने हाईकोर्ट में दाखिल की तब भी हम लोगों ने ये पिटीशन्स इन लोगों से शेयर की, उसमें जो भी सजेशंस और ऑब्जेक्शंस आए कि इसमें प्लस माइनस क्या करना है वो हमने करके दिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाने से पहले हमने सबसे राबता किया और सबसे एक तरीके से मुत्तफिका राय करके उनके साथ अपनी पिटीशंस को शेयर करके फिर हमने वो पिटीशंस लगाई है, ना कि भाई मेरे पास पैसा है इसलिए मैं चला जाऊँ, ऐसा हमने बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मौकफ अपना रखा नहीं है। हम आज भी हर चीज़ के लिए ओपन है कि अगर कोई जो वाकई में इसमें नॉलेज रखता है, क्योंकि सजेशन के लिए बहुत लोग आते हैं लेकिन जो नॉलेजेबल लोग हैं इस बारे में वो अगर आके हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं या उस बारे में कुछ अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ओपन है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है और ये सबकी तरफ से लड़ी जा रही है। तो उसके बाद से एक राय मशवरा आपका हुआ था जो सब लोगों में आपने बताया जैसा, आपने तभी सीनियर काउंसिल को कंसल्ट करके तब सारी चीज़ें क्यों नहीं की, और आप अभी अभी बता रहे हो कि एंड तक ना उनको मिला ना आपको मिला, और अभी अभी जैसा कि वकील साहब ने बताया कि अब 0.5% ही रहा, तो हो सकता है? आपका जवाब मैं दे देता हूँ। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि पहले आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए केस दाखिल करते हो एओआर के जरिए, और उसके मुताबिक ये केस किस कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग इस तरीके से है कि जब ये केस किसी कोर्ट में लग जाता है, वहाँ कई कोर्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक ये देखा जाता है कि इस कोर्ट के इस बेंच के सामने सबसे बेस्ट आर्ग्यू कौन सा सीनियर काउंसिल कर सकेगा, दूसरी चीज जो है सब्जेक्ट मैटर भी देखा जाता है, तीसरी चीज सीनियर काउंसिल की डेट्स पे भी अवेलेबिलिटी देखी जाती है, ऐसा नहीं कि हम उसको बोल देंगे और सीनियर काउंसिल के पास वहाँ डेट्स अवेलेबिलिटी, तो जब ये मैटर लगता है उसी वक्त सीनियर काउंसिल 8 दिन में या 10 दिन में आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो हमने जब इसमें मसला ये हुआ कि हमको 7 तारीख को मालूम पड़ा, हम 8 तारीख को वहाँ भाग के गए, 9 को मैटर था, 24 घंटे में कोई भी सीनियर काउंसिल केस नहीं देता। अगर ये जो पिछले याचिकाकर्ता थे ये अगर हमको एक 8 दिन पहले या 10 दिन पहले आइडिया दे देते तब तो हम इसमें सीनियर काउंसिल डेफिनेटली खड़े कर सकते थे, फंड्स तो हमारे पास हमारे अकाउंट्स में हमने रखे हुए आज भी रखे हुए, लेकिन हम लोग अप्रोच भी हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर कोई सीनियर काउंसिल नहीं मिलता। ये जो पिछले याचिका करता है इन्होंने कम से कम 8 दिन पहले हमको बताना चाहिए था। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हमारी याचिका सितंबर या अक्टूबर में आएगी, तो जब इतने लंबे टाइम के लिए आप सीनियर काउंसिल को एंगेज करके नहीं रख सकते, इसीलिए ये टाइम पे जो हैजर्ड जो फैला वो इसलिए फैला कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी में याचिका लगा दी और उसमें हमको भी सीनियर काउंसिल लगाने का मौका नहीं मिला। इसके अंदर अभी जो भी अब नेक्स्ट डेट आएगी मेरे ख्याल से इसमें 8 से 10 दिन में या 12-15 दिन में कभी भी इसकी डेट आ सकती है अभी, क्योंकि हमने अपनी याचिका के सारे ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिए इन लोगों की वजह से, वरना वो ऑब्जेक्शन थोड़े से आराम से भी रिमूव किए जा सकते थे। तो अब इसमें जब अगली डेट आएगी 8-15 दिन में कभी भी, तो हम उसमें सीनियर काउंसिल सिब्बल साहब हो या और जो भी बेस्ट अवेलेबल, उस वक्त उनकी डेट्स भी मैच होना जरूरी है, वो सारे उसको देखते हुए हम इसमें अच्छा सीनियर काउंसिल लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोर्ट इसमें नोटिस करे कोर्ट को। ये अभी तक ये मसला जो है कोर्ट के सामने आर्ग्यू ही नहीं हुआ, उस्मानाबाद वालों की तरफ से भी हुआ कि वो ऑनलाइन हाजिर हुए, उनका कहीं माइक बंद हो जा रहा था, कभी उनका कह रहे कैमरा ऑफ हो रहा था, तो वो जो कहना चाह